आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है फिल्म एक्टर अली खान जी, आइए उनसे बात करते हैं। अली खान जी, आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए। देखिए, मैं बिहार के बहुत ही छोटे से गांव का हूँ जी, मैगरा चौना गया जिले में है। हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वो बहुत साधारण तरीके से हुई, लालटेन के जरिए हुई। 3 किलोमीटर पैदल मैं स्कूल जाता था, वहाँ से मैंने मैट्रिकुलेशन किया मैगरा हाई स्कूल से। फिर मैंने गया में एडमिशन लिया, बीएससी एलएलबी किया, मैंने वकालत के 3 साल कोर्स किया माशाल्लाह। उसके बाद 5 सितंबर 1980 को मैं मुंबई आया। मेरे वालिद साहब जो एक किसान थे और मेरा कोई बैकग्राउंड फिल्मी बैकग्राउंड था नहीं, लेकिन शौक बहुत था, हमेशा मायापुरी पढ़ते थे, फिल्में देखते थे, तो हौसले बहुत बुलंद थे कि कुछ ना कुछ फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है। उस ज़माने में मैं अपने गांव में मैगरा में प्ले वगैरह करता था, रामायण राम बनता था, कभी रावण बनता था, ऐसे सब काम जो है करता रहता था। कॉलेज के ज़माने में भी मैंने काम किया स्टेज पे, बहुत बहुत काम किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैं फेमस था। लेकिन फाइनली जब हम 5 सितंबर 1980 को यहाँ मुंबई आए, हमारे दोस्त रमेश सिंह जो हमारे बिहार से ही थे, अच्छा, उनकी काफ़ी मदद रही। यहाँ आने के बाद बहुत स्ट्रगल हुआ। एक चिट्ठी थी शत्रुघ्न सिन्हा जी के नाम की, तो मैं उनके नाम पे ख़त लेके आया था, उनके मामा ने दिया था, तो उन्होंने मुझे अपनी फिल्म कालका में एक गोपी नाम का एक अच्छा करेक्टर दिया, जिसकी सारी शूटिंग झारखंड रांची धनबाद में हुई थी। उसके बाद फिर मैंने एक फिल्म की, रहमदिल जल्लाद, जिसके हीरो मजहर खान थे और देवेश खान, उस फिल्म में जुबेदा जी हीरोइन थी और कमर नारवी साहब डायरेक्टर थे, जमीर खान मरहूम प्रोड्यूसर थे, उसमें मैंने विलन पहला ब्रेक मुझे। उसके बाद फिर मैं मनमोहन देसाई की 2 फिल्में की, अल्लाह रखा, तूफान। फाइनली ये हुआ कि मुझे संजय खान साहब की, जो टेलीविज़न पे एक सीरियल बना रहे थे, टीपू सुल्तान, अच्छा हाँ, टीपू सुल्तान में उन्होंने मुझे, शहबाज खान को और बहुत सारे कलाकारों को मौका दिया, इरफान खान मरहूम को, तो उसमें बहुत मेजर रोल था मेरा, हैदर साहब का, और वो शहबाज भाई हैदर अली बने थे। उसके बाद फिर मैंने महाभारत सीरियल की, जो यक्ष का रोल था, जो 100 सवाल युधिष्ठिर से करता है, अच्छा, उसके बाद में टेलीविजन पे मेरे ख्याल से, क्या ये क्या है, ये सवाल का क्या है? ये जो क्वेश्चन होते हैं, हाँ, संस्कृत में, हाँ, 100 सवाल करते हैं, तो युधिष्ठिर जो है हमसे 100 सवाल करते हैं, तो मैं सबका उस टाइम पे आपने सब याद किया। मैंने उस टाइम बहुत टफ था, चूंकि एक सर में कफन बांध के आए थे, डू एंड डाई, करो या मरो, इसके सवाल कोई रास्ता नहीं था। फिर मैंने बहुत सारी सीरियल की, अकबर द ग्रेट, ग्रेट मराठा, तकरीबन उस ज़माने के 50 से 60 टेलीविज़न पे काम किया। फिर मुझे खुदा गवाह में एक फाइनली ब्रेक मिला। खुदा गवाह से मुझे याद आया जी, आपने तकरीबन 150 फिल्में की है। हाँ, 150 से 200। खुदा गवाह जो एक सुपर डुपर रही, उसमें हबीबुल्ला का आपने कैरेक्टर किया था, उसके बारे में जरा देखिए। इसमें ऑलरेडी बच्चन साहब थे, श्रीदेवी जी थी, किरण कुमार थे। किरण कुमार जी के छोटे भाई का रोल, उस ज़माने में चरण राज जो साउथ के बहुत बड़े विलेन थे, उन्होंने काम किया था। लेकिन जब स्क्रीन पे जब देखा गया, तो चूँकि साउथ के थे, तो किरण कुमार जी और उनका जो मैच है भाई का, वो नहीं हो रहा था। अच्छा, तो फिर सडनली मुझे कॉल आया कि साहब क्यों मैच नहीं हो रहा था उनके दोनों भाइयों में। साउथ के जो एक्टर होते हैं ना, वो उनका जो कॉम्प्लेक्स है, जो जैसे मैं किरण कुमार गोरा हूँ और साउथ के लोग जैसे ब्लैक, हाँ, डार्क स्किन, तो उनको जो भाई की जो कास्टिंग थी वो मज़ा नहीं आ रहा था। अच्छा, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई ऐसा लगना चाहिए जो लगे कि किरण कुमार का भाई है, रियल गोरा नारा दिखना चाहिए। तो उस वजह से मतलब उस टाइम के डायरेक्टर लोग इस तरह के होते थे। हाँ, यस, बहुत चीज बहुत बारीकी पे ध्यान रखते थे, जैसे मुकुल आनंद जी उसके डायरेक्टर थे, मनोज देसाई जो गेटिंग लैक्सी के मालिक हैं वो प्रोड्यूसर थे, नज़ीर अहमद,
मुझे वो ब्रेक मिला उसमें खुदा गवाह में हबीबुल्ला उसकी शूटिंग हुई जिसे आप अफगानिस्तान अली खान बने। हाँ अली खान बने और अफगानिस्तान में शूटिंग हुई। उस जमाने में डॉक्टर नजीबुल्ला साहब हयात थे, प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। और उस फिल्म के बाद जब वो पिक्चर रिलीज हुई 92 में, तो फिर मालिक का ऐसा करम हुआ कि हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मुझे सरफरोश, कोहराम, माँ तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 चोर, 150 से 200 फिल्मों में हमने काम किया। हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगू, इंग्लिश, बंगाली, यानी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में हमने काम। सबसे अच्छा आपको काम करने में कौन सी लैंग्वेज में मज़ा आया? ये ऑफ कोर्स हमारी हिंदी मातृभाषा है जी, और चूँकि बहुत सरल और बहुत आसान भाषा है, आसान जबान है, तो ऑफ कोर्स मुझे हिंदी में ही काम करने में मज़ा आता है। सबसे टफ किस में लगा, कौन सी लैंग्वेज? सबसे टफ लगा मुझे तमिल में। अच्छा। हाँ, वांछीनाथन एक फिल्म थी जिसमें वहाँ के विजयकांत हीरो थे, बहुत बड़े स्टार हैं वो। अच्छा। यानी रजनीकांत, कमल हसन। कितने दिन का शूट था? हम वहाँ पे थे तकरीबन 20 रोज थे। ओके। हैदराबाद में, तमाम साउथ में हमने शूट किया, चेन्नई में थे। उसमें एक बड़ा अच्छा करेक्टर था विलेन का, तो वो बड़ी मतलब लैंग्वेज जो उनकी होती है बड़ी टफ होती है, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो फिर आप वो डबिंग किसी और से करवाते हैं, तो खैर वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और उसके बाद फिर मतलब काफ़ी हमने फिर टेलीविज़न पे भी काम किया, फिल्में भी किया, भोजपुरी, मराठी, सारी जो एक दौर था उस दौर का उसमें हमने बहुत काम किया, बहुत एंजॉय किया। इंडस्ट्री में एक अच्छी पकड़ हुई, अच्छी पहचान हुई। फिर 1986 में हमने शफी नामदार जो एक्टर थे उनकी कजिन सिस्टर से मैरिज किया, जिनके मामू थे हुसैन दलवाई, हैं अभी कांग्रेस में। ये मैरिज पे से मुझे याद आया, आपकी शादी किस तरह से हुई थी? लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी, थोड़ा उसके बारे में। नहीं देखिए, शादी तो ऐसा था कि अरेंज ही हुई थी, लेकिन हमने अपने वालिद साहब को बुलाया था, रिश्ता आया था और हमने वालिद साहब को बुलाया, उन्होंने लड़की के घर वालों को देखा, मैंने भी लड़की को देखा। जैसे कि आप माशाल्लाह किस जात से बिलोंग करते हैं और वो कौन सी बिरादरी से? नहीं, वो भी मुस्लिम, कोकनी मुस्लिम है। हाँ, वो लोग कोकन से थे। मेरी वाइफ मरहूमा शुरा अली खान की जो पैदाइश वो कुवैत की थी, लेकिन अच्छा वो कुवैत में पैदा, कुवैत में पैदा, उनके वालिद साहब कुवैत में थे। फिर यहाँ पे आए, खैर शादी हुई 1986 और उसके बाद फिर माशाल्लाह 35 साल मतलब शादी का साथ रहा। मेरे दो बच्चे फैयाज अली खान, मेरी बेटी आशना अली खान, और माशाल्लाह दोनों की हमने शादी भी किया और काफ़ी अच्छा रहा। ट्यूनिंग बहुत अच्छा था लाइफ पार्टनर के बारे में, और रिस्पेक्टिव थे सारे दोनों के, मतलब ऐसा था कि किसी की शिकायत नहीं आनी चाहिए परिवार में, बहुत अच्छा ट्यूनिंग था। और अली खान जी, हम लोगों के भी आपके परिवार के लिए यही दुआ है, खूब आगे जिस तरह से अब मंजिल है आपकी उसमें आपको अल्लाह ताला खूब हिम्मत दे और खूब आगे बढ़ें आप लोग। और हम तो आपके साथ जुड़े हुए पहले से, बहुत ज़माने से। आप ये बताइए, ये आपने गेटअप किस फिल्म के लिए चेंज किया है? अपकमिंग आपका क्या है? ये सफेद बाल कर लिया आपने, ये जो है अनिल शर्मा जी एक फिल्म बना रहे हैं गदर 2। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया और कहा कि अली खान को बहुत सारी फिल्मों में लोगों ने ब्लैक मेहंदी कलर बाल, बड़े बाल उसमें देखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ गेटअप चेंज हो और उसमें आप बाल छोटे छोटे करवाइए, बारीक करवाइए और उसको एक गेटअप दीजिए, जैसे कलर कीजिए, वाइट कलर कीजिए। तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने अपने बाल को वाइट किया और इसकी शूटिंग लखनऊ में काफ़ी दिन तक चली। एक आखिरी शेड्यूल है जो शायद अक्टूबर में करेंगे, वो एक महीने का शेड्यूल है। और एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करूँगा जी, कि मेरी वाइफ बच्चों की शादी को लेकर बहुत खुश थी। क्योंकि मेरे बेटे ने कहा वो शादी में, ये क्या है, मतलब आपकी ट्यूनिंग अमित जी के साथ में भी बहुत अच्छी थी, आपके बेटी बेटा दोनों की शादियों में अमित जी पहुंचे थे, इसका
अंदर की मोहब्बत के बारे में बताइए अमित जी और आपकी, क्योंकि इतना बड़ा मझाया हुआ कलाकार है बिग बी जी, तो आपने उनको कैसा बैलेंस किया? देखिए कुछ कलाकारों से मेरे मतलब हमको फिल्म इंडस्ट्री में आके तकरीबन 40 साल हो गए जी, और 40 साल से जो रिश्ता मैंने मेंटेन किया जैसे कि बच्चन साहब से, उनके यहाँ आना जाना, उनके सुख दुख में शामिल होना जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी जिनके पास उनके मामा का लेटर था और मैं उनसे मिला, उन्होंने कालका में काम दिया, रजा मुराद जी, रजा भाई हमारे बिल्कुल समझिए बड़े भाई हैं और वो भी हमेशा मेरे सुख दुख में शामिल रहे, शहबाज खान, मुश्ताक खान, इसके अलावा भी जैसे रंजीत जी हैं, शक्ति कपूर हैं और भी ऐसे कलाकार हैं, जॉनी भाई हैं, जॉनी लीवर हैं, ये अच्छा। हाँ कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनसे हमने रिश्ते को बहुत मजबूत रखा और मेंटेन रखा। ये तो आपके तरफ से थी बच्चन साहब का ये मामला था कि बच्चन साहब जब मेरा बेटा फयाज तकरीबन 6 महीने का था और तूफान की शूटिंग चली, तूफान में मैं भी था, तो अच्छा 6 महीने का था, उन्होंने फयाज को गोद में लिया था और मैंने कहा कि अमित जी मालिक आपको लंबी उम्र दे और जब भी मैं अपने बेटे की शादी करूंगा फयाज की तो आप उसमें शामिल होंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं रहा तो जरूर हम करें, मालिक आपको लंबी उम्र दे। सही। तो इत्तेफाक से मैं गया और बचपन की भी तस्वीर दिखाया, बीच वाली भी तस्वीर दिखाया, जब जब हम लोग उनके बर्थडे पे जाते थे तो मैंने कहा कि इसकी फलाने दिन शादी है और आपको जो है 17 अक्टूबर को शादी है मेरे बच्चे की और आप कौन है, और वो आए और आए तो जलवा बिखेर के गए। फिर बेटी में भी आए, मैंने कहा कि आशना की शादी, आशना की भी शादी में आए, तो मैंने कहा कि आशना और हम सब गए थे मिलने इनको फैया घर पे बंगले पे, मैंने कहा बेटी की शादी है उसमें भी आपको आना, तो बोले अरे मैं वहाँ जा रहा हूँ। कहा नहीं अमित जी घर में महाभारत हो जाएगी, चूंकि बेटे में आया बेटी में भी आना। तो जो टाइम उन्होंने दिया था उस टाइम पे वो लोखंडवाला ग्राउंड में आया और बहुत सारे लोग थे लेकिन अपने वक्त पे वो आए और एक काफ़ी देर तक रुक गया और जलवा बिखेर के गए। तो ये है मामला। मेरी अली खान जी से मुलाकात हुई थी एक बर्थडे पार्टी में और वो फिल्म एक्टर थे दिलीप कुमार जी। जब अली खान जी उनके बर्थडे पार्टी में पहुंचे थे, मेरी पहली मुलाकात वहाँ हुई थी आपसे, पाली हिल बंगले पे। सर दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए। दिलीप साहब तो देखिए भाई ऐसे कलाकार थे और हैं, आज उनकी अदायगी, उनकी उनका जो टैलेंट, उनके जो एक्टिंग का जो एक ग्राफ था वो इतना हाई लेवल पर था कि आज तक वो वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता। वो तो स्कूल नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी थे एक्टिंग के, बहुत से लोगों ने कॉपी करके बहुत आगे पहुँचे। दिलीप साहब एक बहुत वर्सेटाइल एक्टर थे और अच्छे मिजाज के थे, खुश मिजाज थे और हर चीज़ पे एक पकड़ थी। उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी, उर्दू जबान बहुत अच्छी थी, पंजाबी बहुत अच्छी बोलते थे, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते थे, मराठी बोलते थे और बहुत लोगों को प्यार करते थे, हम जैसे लोगों को बहुत दिलोजान से चाहते थे। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई और एक रिश्ता बना तो तकरीबन मैं सभी हर एक बर्थडे में करने लगे। हाँ उनके फैमिली सायरा आपा, हाँ सायरा आपा जो हैं वो बहुत प्यार करती थी और हमेशा हम लोग उनके बर्थडे में जाते थे। कुछ कलाकार हैं जिनके बर्थडे में मैं, जैसे कि दिलीप साहब जी, बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन जी हुए, धर्मेंद्र जी हुए, रजा भाई हुए, ये कुछ ऐसे शत्रु साहब हुए, तो 9 दिसंबर उनका अभी आ रहा, 11 अक्टूबर बच्चन साहब का, अमित जी का, 8 दिसंबर को अपने इनका धर्म जी का। और तो मतलब ये कि मैं ये बहुत मेंटेन रखा मैंने, बर्थडे पे जाना या जैसे ईद बकरीद पे चले गए, जैसे जग्गी शाह जी से मेरे बड़े अच्छे रिलेशन, जग्गू दादा से मैं मिलता रहता हूँ, तो आमिर भाई के साथ बहुत मैंने काम किया, 5-6 फिल्मों में काम किया, लेकिन सरफरोश से ज्यादा मैंने पॉपुलरिटी मुझे मिली। अच्छा। कैप्टन शफी का रोल किया था। यस यस यस। शाहरुख खान के साथ किया, सलमान खान के साथ काम किया, तो पुरानी और नई पीढ़ी दोनों के साथ काम किया। और मेरे पॉलिटिकल गुरु रहे लालू प्रसाद यादव जी, चूंकि मैं बिहार से हूँ तो उनके साथ तकरीबन 25 साल से मैं उनके साथ जुड़ा रहा। यहाँ पे भी उद्धव जी, उद्धव ठाकरे साहब, राज ठाकरे जी, ये बहुत क्लोज
हमारे एक फैमिली के एज ए पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एज ए मैन, मैं इनसे मिलता रहा चूंकि ये बड़े लोग बड़े पॉलिटिशियन, लेकिन मेरी रिस्पेक्ट सबके साथ ऐसे बराबर के, उनके तरफ से भी आपको रिस्पांस मिलता है? जी हाँ जी हाँ, हमेशा रिस्पांस मिलता रहा। मैं शादी का कार्ड भी दिया था, उनके यहाँ से भी लोग आए थे। जी हाँ, ये हैं अली खान जी। एक आखिरी सवाल जी, एफके न्यूज में, एफके स्टूडियो में कभी आपने सोचा था आपको जाने का मौका मिलेगा? नहीं देखिए, एफके न्यूज में चूँकि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और चूँकि जहांगीर आप जो हैं बहुत मेहनती हैं, बारिश के टाइम मैं देखता था कि आप अखबार ले लेके हम लोगों के पास आते थे, सलमान खान के पास, मेरे पास, मुमरा से चल के यहाँ तक लोखंडवाला तक आना। तो उसी टाइम हमने कहा था कि आप बहुत आगे जाओगे, आपको शायद याद होगा। और मेहनत कभी भी रहगा नहीं जाती है, मेहनत एक ऐसी चीज़ है, आप जब मेहनत करोगे तो आपका टैलेंट भी टैलेंट पे भी निखार आएगा। तो आज मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, और जैसे कहते हैं ना कि रफ़ी साहब को हम लोग आज तक याद करते हैं जी, उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए भी हम सब कोशिश कर रहे हैं, हर बरसी पे उनके यहाँ कब्रिस्तान जाते हैं सांता क्रूज, तो उनके लिए भी दुआ करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो इंसान जिसको अपनी कदर मालूम है, हाँ, कि मुझे क्या करना है, मैं इस शहर में क्यों आया हूँ, माँ बाप फैमिली इलाका वतन स्टेट छोड़ के मैं क्यों आया हूँ, वो आदमी कभी पीछे नहीं रह सकता। तो आपको बहुत मुबारकबाद, और मेरी दुआ कि आपका ये जो एफके न्यूज़ है ये खूब सक्सेस हो, और मैं आपके इस चैनल को ऑल द बेस्ट कहूँगा, और लोगों से अपील करूँगा कि आप सब इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। रफ़ी साहब की कोई एक बात या फिर उनका कोई एक मोमेंट जनता तक? देखिए रफ़ी साहब बेलाउस काम करते थे, कभी भी परवाह नहीं करते थे कि कितनी फीस मुझे लोग देंगे, जो मन मुट्ठी में लोग दे देते थे। और उन्होंने हज भी किया था माशाल्लाह, और बड़ी भाई वो जो रेंज थी गायकी की, जो आवाज़ थी, वहाँ तो कोई पहुँच ही नहीं सकता। रफ़ी साहब के जैसा न कोई कलाकार सिंगर ऐसा पैदा हुआ ना होगा, न फनकार दूजा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। याद है उनका वो गाना बड़ा मशहूर हुआ था कि मुझको तेरे बाद ज़माना ढूंढेगा, दिल का सुना साज ज़माना ढूंढेगा। तो मैं तो मेरी तो मुलाकात नहीं हुई थी जी, क्योंकि जब मैं आया था इंडस्ट्री में तो उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन उनके जो बेटे हैं शाहिद रफ़ी साहब, वो बड़े अच्छे दोस्त हमारे और बहुत खलूस इंसान है, और वही ख़ानदान का असर है, बाप की वही मतलब एहतराम से लोगों के साथ पेश करना, आजीज़ से लोगों से बात करना। तो रफ़ी साहब बहुत बड़े फनकार थे, रफ़ी साहब तकरीबन गाना जो है दिलीप साहब के लिए गया, और बहुत सारे कलाकारों के लिए गया, बच्चन साहब के लिए गया, राजेंद्र कुमार जी के लिए गया, धर्म जी के लिए गया, बहुत जितने भी इंडस्ट्री के आज बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके लिए गया, है ना, शत्रु साहब के लिए गया। तो ऐसे नेक लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं, हमारे को किशोर कुमार किशोरदा मुकेश जी है, सबकी अपनी अपनी एक अपनी अदायगी थी, एक अलग अलग। राजकुमार जी नहीं, सिंगर की बात करूं, सिंगर हाँ, जैसे मन्ना डे जी, अच्छा, तो ये सारे लता जी, तो ये सब एक सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं, ये सब हमारे हमारे मुल्क के, हमारे हिंदुस्तान के, ये सब एक नायाब हीरा थे, जिन्होंने बहुत कुछ दिया इस मुल्क को। आज 2022 कितने टैलेंटेड स्टार हैं, बहुत सारे उनके अंदर खूबियां लेके वो उतरे हैं मैदान में, तो क्या चेंजिंग दे रहे हैं ये लोग, और किस तरह से आप इंडस्ट्री को चेंजिंग चाहिए, जरा उसके बारे में आप बताइए। देखिए पहले के ज़माने में लोग एक फिल्म करते थे एक साल, उसकी कहानी पे मेहनत करते थे, उसके डायलॉग्स पे मेहनत करते थे, उसके गानों पे मेहनत करते थे, तब जा करके एक फिल्म बनती थी मुगल-ए-आज़म, एक फिल्म बनती थी मदर इंडिया,
एक फिल्म बनती थी शोले, एक फिल्म बनती थी दीवार, और ऐसी फिल्में गंगा जमुना दिलीप साहब की। तो पहले के ज़माने में मेहनत बहुत करते थे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, ये एक टीम वर्क होती थी और सब लोग मिल करके उस पर एक एक महीना, दो दो महीना, तीन तीन महीना, पहले तो सिटिंग होती थी, कास्टिंग होती थी, इस रोल के लिए कौन आर्टिस्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती थी। अब क्या हो गया आज के ज़माने में क्या हो गया, कुछ इंग्लिश फिल्में देखते हैं, कोई साउथ की फिल्में देखते हैं, साउथ से एक्शन ले लिया, इंग्लिश से कुछ ड्रामेटिक सीन ले लिया, उसको बस ये कहानी बन गई। पहले के ज़माने में सलीम जावेद साहब बड़े राइटर है ना, एक दीवार, जंजीर, त्रिशूल, ऐसी फिल्में, शोले, शान, इस तरीके की फिल्में बनती थी। तो सालों साल तक लोग उसके गाने को ये करते थे, याद रखते थे। फिर एक दौर आया राजेश खन्ना साहब का, एक तकरीबन एक ज़माने तक उन्होंने राज किया फिल्म इंडस्ट्री में। फिर ओल्ड एज के बाद मैं बता रहा हूँ, जैसे दिलीप साहब के दौर के बाद राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, ये एक दौर आया। राज कपूर साहब शुरू में, स्टार्टिंग में। फिर एक टीनेजर दौर आया, ये अपने बॉबी फिल्म आई ऋषि कपूर जी की, है ना, बॉबी सुपर डुपर हिट हुई राज कपूर साहब की एक फिल्म, उन्होंने मेरा नाम जोकर भी बनाई थी, वैसी फिल्म ही बनी। उसके बाद फिर एक खान ब्रदर्स का टाइम आया, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये आज तकरीबन 25-30 साल से ये लोगों के दिल पे राज कर रहे हैं, क्योंकि इनको एक यूथ ने, एक टीनेजर ने, अच्छा, एक नई जनरेशन, युवा पीढ़ी ने इनको सर पे बिठाया, अच्छा, लाइक किया। तो बीच का दौर 90s वगैरह का देख लीजिए आप, अमिताभ बच्चन जी का हर फिल्म उनकी सुपर डुपर हिट होती थी, डाउन से लेकर सारी फिल्में। ये दौर बदलता गया जी। तो उस जमाने में लोग मेहनत ज्यादा करते थे हर चीज पे, एक एक गाने पे। उस जमाने के म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब, आज भी मुगले आजम की वो धुन जो बजती है, या जो गाने का वो प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो हम आज का ये सॉन्ग, आज का लिखा हुआ, आज की म्यूजिक है। उसके बाद एक दौर आया लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, फिर उसके बाद बीच का दौर आया राजेश रोशन का, वो जूलियट फिल्म आई थी, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, हो एक बात ना भूली, एक बात न भूली, जूली I love you, ऐसे गाने फिर राज किया लोगों के दिलो दिमाग। अब जो है, हाँ, ये जो 2-5 साल में चल रहा है, बहुत सारे कलाकार आए, हाँ, और तो ये क्या हो गया कि कुछ रैंप टाइप का गाना, कुछ ऐसे गाने बनने लगे जो रिलीज हुए जब तक थिएटर में अपने बाहर निकले बोले, तो ये, अच्छा, तो ये सारी चीजें जो है कुछ तो कमी है, हाँ, प्रोड्यूसर की भी, उनको पैसे बहुत ज्यादा चाहिए। और अच्छा हो क्यों नहीं, आजकल जो कलाकार हैं आज तो बड़े पैसे मांगते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर भी एक दौर आएगा, दौर चेंज होता है, हर 10 साल पे दौर जो है चेंज होता रहता है। एक ज़माना था कि लोग रोमांटिक फिल्में पसंद करते थे, फिर एक दौर आया कि एक्शन फिल्म, जब बच्चन साहब का टाइम आया तो एक्शन फिल्में, फिर एक दौर आया कि लव स्टोरी, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, मोहब्बतें ऐसी, फिर वो फिल्म उनकी जो सालों साल चली, दिल वाले दुल्हनिया ले। ऐसे जो दौर चेंज होता रहता कलाकार की, फिर एक एज हो जाती है, एक एज लिमिट है, और हमारे हीरो के लिए तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया है इंडस्ट्री ने, हाँ, फिर हीरोइन के लिए जो है एक टाइम, एक लिमिटेशन, शॉर्ट टाइम में 10 साल के अंदर जो करना कर लो। काजल एक ज़माने तक उन्होंने अपने आप को, अरे क्या बात है, और आज माशाल्लाह अक्षय कुमार बड़ा स्टार बने, अजय देवगन, इन लोगों ने भी छाप छोड़ी फिल्म लाइन में, एक अच्छा कलेक्शन इनकी भी फिल्मों का हुआ। ये आखिरी सवाल मेरा कि आप इन लोगों को, नए आर्टिस्ट जो अभी हैं,
2015 से 2022 तक के खूब टैलेंटेड आए हुए हैं, इनको क्या संदेश देंगे आपके ज़रिए से, और जो सोशल मीडिया है उसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, बहुत शॉर्टकट रास्ता लोगों ने अपना लिया। आज आदमी, हर आदमी सोशल मीडिया के ज़रिए न्यूज़ देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, लोगों के बारे में खबरें पढ़ रहा है। सोशल जैसे जैसे एक्टिविटी आते गई, वक्त बदलता गया, मोड आता गया। पहले के जमाने में बड़ा फोन होता था, छोटा फोन आया, मोबाइल लॉन्च हो गया, मोटरोला, हाँ मोटरोला कंपास बॉक्स, मोटरोला का एड हमने किया था अभिषेक बच्चन जी के साथ। तो ये मोबाइल आने के बाद ये दौर चेंज हुआ, सोशल मीडिया बहुत हाईलाइट हो गया। आज कोई टीवी टेलीविजन पर बहुत कम लोग जो है न्यूज देखते हैं, या बहुत कम लोग अखबार पढ़ते हैं। ज्यादातर हर आदमी, बच्चे भी छोटे छोटे मोबाइल पे, मोबाइल पे बच्चों का खेल है। अब ये है कि दौर ऑफ कोर्स बदला है, बदलेगा, आने वाला भी वक्त बदल सकता है। हमारे तक तो बहुत सारी चीज अभी रेस्पेक्ट में चल रही, लेकिन जो भी है बहुत मल्टी टैलेंटेड लोग पैदा हो रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। आज हम देखते हैं रिजल्ट बच्चों का, अच्छा, तो बड़ी खुशी होती है कि 99%, हाँ जी, हाँ जी, एक बच्चे ने का रिजल्ट 100%, हाँ, 2022 के जनरेशन में मतलब, हाँ, ये लोग मतलब बहुत ही एक्टिव हो रहे हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं और हर चीज में आगे। मतलब ये है कि आज ये इतने बच्चे माशाल्लाह टैलेंटेड हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ, हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। और एक जो जैसे आप जितनी बड़े सिटी में हैं उतना ज़्यादा टैलेंट बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और अब मैं आपके चैनल से ये कहूँगा कि कोई भी माँ बाप कोशिश यही करे कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो बहुत कम गलतियाँ करता है, कम गलतियाँ करता है, इसका ख्याल रहे। तो ये है हमारे अली खान जी, अपना कीमती वक्त देखे हमारे स्टूडियो में आए, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला यूं ही आप लोगों को तरक्की दे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त देके हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया अली खान जी। हम जनता से भी ये कहेंगे FK न्यूज़ को आप किस तरह से, मैं भी आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा, जितने भी दर्शक इस एपिसोड को देख रहे हैं जी, वो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और FK न्यूज़ को दुआओं से नवाजें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।